हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिल्की शेंडे फ्रॉम माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल परसवाड़ा। टुडे वी लर्न अबाउट सॉल्व द वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन बिलो। ओके स्टूडेंट्स, हमें आज क्या पढ़ना है, वर्ड्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे रहेंगे, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इसके पहले अकॉर्डिंग टू योर नोटबुक मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्लस वाले क्वेश्चन बताया था, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम में प्लस वाले क्वेश्चन बताया था। ठीक है, देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया भी था और मुझे सेंड भी किया था, वेरी गुड। देन स्टूडेंट्स आज हम माइनस वाले वर्ड्स प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे। देन स्टूडेंट्स चलिए आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम गिवन बिलो को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पेज नंबर 112 to 130 पे मिल जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। देन स्टूडेंट्स फर्स्ट पे तो है, फर्स्ट पे जो क्वेश्चन है वो प्लस वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो आपको खुद सॉल्व करना है। देन स्टूडेंट्स सेकेंड में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी, वो है माइनस वाला। देन स्टूडेंट्स आज हम उसे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, एक ट्री है, मतलब एक ट्री है जिसकी ब्रांच है, उस पर कितनी बर्ड्स बैठे हुए हैं, कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं, 8 बर्ड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हम उसे क्या बोलेंगे, देयर आर 8 बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस। देन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयर आर 8 बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस। ठीक, ये मैंने लिख दिया, देयर आर 8 बर्ड ऑन द ब्रांचेस, मतलब कि एक शाखा है, एक डाली है जिसपे 8 बर्ड्स बैठे हुए हैं, मतलब 8 चिड़ियाएं बैठी हुई हैं, है ना। देन स्टूडेंट्स फिर क्या है कि 3 बर्ड्स फ्लाउ ऑलवेज। ठीक है, फिर वहां सर वहां से कितनी बर्ड्स उड़ गई, 3 बर्ड्स फ्लाव ऑलवेज। ठीक है, देन स्टूडेंट्स देखिए 3 बर्ड्स वहां से क्या हो गई, उड़ गई। अब हमको 8 में से, मतलब 8 बर्ड्स थी हमारे पास में, 8 बर्ड्स में से 3 बर्ड्स क्या हो गई, उड़ गई। अब हमको यहाँ पर काउंट करना है कि अब इस पेड़ पर कितनी बर्ड्स बची। ठीक है, देन स्टूडेंट्स जब 8 बर्ड्स थी तो हम यहाँ पर 8 लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मैंने 8 लाइन को क्या कर लिया, काउंट लिख दिया। अब स्टूडेंट्स उसके बाद पर जब 3 बर्ड्स यहाँ से उड़ गई तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बर्ड्स को मतलब 3 को मुझे कट करना पड़ेगा, बिकॉज जब ब्रांच में मतलब जब डाली में 8 बर्ड थी उसमें से 3 बर्ड उड़ गई तो हमारे पास में कितनी बचेगी। चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब अगर 8 में से 3 बर्ड उड़ गई हैं तो हमारे पास में कितनी बर्ड्स बचेंगी, 5 बर्ड्स बचेगी। ठीक है, देन स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट आउट कर लेते हैं। देन Now there are birds on the branches. So now there are, box में लिखेंगे, 5 birds on the branch. मतलब कि डाली पर कितनी चिड़ियाएं बची, 5 चिड़ियाएं बची, बिकॉज
देखिए, देयर आर 8 बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस, मतलब कि एक डाली है उस पर 8 चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, देयर आर बर्ड फ्लो ऑलवेज, 3 बर्ड्स फ्लो ऑलवेज, देन स्टूडेंट्स 3 जो बर्ड्स थी वो उड़ गई। तो स्टूडेंट्स, अब जब 8 में से 3 बर्ड्स चली जाएंगी, उड़ जाएंगी, तो वो डाली पे कितनी चिड़ियाएं बचेंगी? 5 चिड़ियाएं बचेंगी। बिकॉज जब 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा? 5 बचेगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर क्या लिखा, नाउ देयर आर 5 बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस। ओके, देन स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, देन आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, देन स्टूडेंट्स आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अजार हैज 9 कैंडीज इन इट, अजार हैज 9 कैंडीज इन इट। ओके, मतलब कि एक जार है और उसमें कितनी चॉकलेट्स है? 9 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। देन नैना टुक 4 कैंडीज फॉर हर, मतलब नैना ने 4 चॉकलेट उस जार में से ले ली, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं, नैना टुक 4 कैंडीज फॉर हर, ठीक है। मतलब कि नैना ने 4 चॉकलेट जार में से ले ली। हम ना जार में कितनी चॉकलेट थी? 9 चॉकलेट्स थी, बट नैना ने 4 चॉकलेट्स ले ली। अब हमको 9 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 9 में से अगर हम 4 को हटा देंगे तो हमारे पास में कितनी चॉकलेट्स बचेंगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 9 लाइंस खींचते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमको क्या करना है, 4 कैंडीज को हटा देना है, तो हम 4 लाइंस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास में कितनी कैंडीज बचेगी, 1 2 3 4 5, हमारे पास में कितनी कैंडीज बचेगी, 5 कैंडीज बचेगी। देन हम क्या लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा, नाउ देयर, नाउ देयर आर 5 कैंडीज लेफ्ट इन द जार। ओके, देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, सॉल्व द वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन बिलो। देन अ जार हैज 9 कैंडीज इन इट, नैना टुक 4 कैंडीज फॉर हर, मतलब 9 कैंडीज उसके पास जार में थी, नैना ने 4 कैंडीज ले ली। देन स्टूडेंट्स उसके बाद पर जार पे कितनी कैंडीज बचेगी, नाउ देयर आर 5 कैंडीज ऑन द जार। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।